आज डिस्कस करेंगे एफडी फैन के बारे में, जिसे फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं। ठीक है, एफडी फैन पावर प्लांट में इस तरह से अरेंज होता है। ये है एफडी फैन जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कपल होता है। यह साइलेंसर, यहाँ से एयर इन करता है एटमॉस्फेयर से, और यह है एरोफॉइल जो इस रेक्टेंगुलर डक्ट के अंदर कितना एयर जा रहा है ये इसको मेज़र करता है। मींस ये एयर फ्लो का मेज़रमेंट के लिए डक्ट में लगाते हैं। और ये है एयर प्री हीटर, इसका काम है यहाँ से जो कोल्ड एयर गुजरता है उसको हीट करना। देखिए, एफडी फैन एटमॉस्फेयर से एयर को ये सक्शन करता है और इस एयर को बॉयलर की फर्नेस में फ्यूल को कम्बशन के लिए जलाने के लिए ये बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। इस फैन की जो प्राइम मूवर होती है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, जो फिक्स या फिर वेरिएबल स्पीड जिसकी होती है। यहाँ इस एफडी फैन में दोनों तरफ डैम्पर लगे होते हैं, दोनों तरफ इनलेट और आउटलेट साइड में डैम्पर लगे होते हैं। इस एफडी फैन की जो डैम्पर को फैन को चालू करते समय बंद रखा जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम जब डैम्पर खुला रहेगा तो एफडी फैन का मोटर जब चालू करेंगे तो ज़्यादा करंट लेने लगता है, जिसके कारण से उसको बंद रखना पड़ता है। यहाँ पे एफडी फैन कोल्ड एयर को एटमॉस्फेयर से लेता है, कोल्ड एयर फ्रेश एयर को, और बॉयलर फर्नेस को भेज देता है। ये जो एफडी फैन है इसका जो मीडियम होता है कोल्ड एयर को हैंडल करने का, ठीक है। इस मीडियम की जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होती है लगभग 40 डिग्री होती है, और इसलिए इस एफडी फैन की जो साइज होती है आईडी फैन और पीएफ फैन के कंपेयर में ये एफडी फैन की साइज छोटी होती है। बॉयलर में आईडी फैन और एफडी फैन दोनों फैन को यूज किया जाता है, इसे ही बैलेंस ड्राफ्ट कहते हैं। जब फैन चालू करना होता है तब आईडी फैन को पहले चालू करते हैं, फिर बाद में एफडी फैन को। इस एफडी फैन के जो सक्शन और डिस्चार्ज में जो डैम्पर लगे होते हैं, ये जो डैम्पर होता है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर होता है। इस फैन की जो सक्शन साइड होती है, सक्शन साइड मतलब इस तरफ, यहाँ एक डैम्पर के पहले एक बड़ी साइज में यहाँ पे एक वायर मेश लगाते हैं, ताकि जो बड़ी साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स हैं उसको वो रोकने के लिए, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज जो होता है वो बॉयलर के एयर डक्ट से कनेक्ट रहता है। यहाँ जो भी एयर को जो बॉयलर को भेजने से पहले उसको एयर को इस एयर प्रीहीटर में हीट किया जाता है, ताकि बॉयलर के अंदर जो कम्बशन है उसको इम्प्रूव कर सके,
बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा सके और फ्यूल जो कंजशन है उसको कम करने के लिए यहाँ ऐसा किया जाता है। तो इस एफडी फैन में जो एयर फ्लो है उसे दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एयर फ्लो डिपेंड करता है बॉयलर में लोड वेरिएशन के ऊपर। एक होता है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल मतलब जो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ैन के स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। दूसरा होता है डैम्पर कंट्रोल। इसमें डैम्पर को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है एफडी फैन का, इसका जो फ्लो होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है। और प्रेशर हेड जो होता है वो होता है MMWC में, ठीक है। और इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होती है जो मीडियम ऑपरेट करता है उस एयर का 40 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। इसकी मोटर की रेटिंग किलो वाट में होती है और मोटर की स्पीड RPM में होता है, ठीक है। इसमें जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है ऑयल, ठीक है। और इसकी जो केसिंग होती है, केसिंग का मैन्यू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन IS 2062 और थिकनेस होता है 6 mm।